पंजाब दे विच हुण बादलां दी ऑर्बिट मुरदाबाद दे नारे लगन लगे ने। एक किसान जथेबंदी ने मुड़ तो रेलवे ट्रैक दे उत्ते धरने लाउण दा ऐलान कर दिता है। मोगा दे विच किसानां दे रोह दी वक्खरी तस्वीर दिखी, जिथे अडानी दे गोदामां दे विचों अनाज भरन आई माल गड्डी नूं प्लांट दे विच किसानां ने डक दिता। धारा 370 अते खेती कानूनां दे फैसलियां तों असीं पिछे नहीं हटांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंकार दे विच बयान दिता है। पंजाब दे विच खेती कानूनां दे विरुद्ध प्रदर्शनां दे पिछे किसान नहीं बल्कि दलाल ने, यह कहा है जेपी नड्डा ने। ते अकाली दल ने बीजेपी नूं कहा है कि माफ़ी मंगो किसानां दा अपमान करन दे लई, ते नाले जिहड़ा इह बयान दिता है कि इह किसान नहीं दलाल हैगे ने, इह वापस लो। गंडे दियां कीमतां बहुत वध रहियां ने, फिर तो सरकार ने थोक ते परचून दे व्यापारियां लई भंडार करन दी लिमिट है जिहड़ी सीमा है वह तय कर दित्ती है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है, मैं हरशरण कौर। सब तो पहला गल करांगे किसानी घोल दी, लोक रोह दी, किसानां दे हक दे विच जिहड़ा उठिया होया है। हुण पंजाब दे विच बादल परिवार दियां जिहड़ियां ऑर्बिट बसां ने, वॉल्वो बसां ने, उन्हां दा विरोध भी शुरू हो गया। बसां घेरनियां शुरू कर दित्तियां ने किसानां ने। कल आपां खबर पढ़ी सी कि किसानां ने जंडियाला गुरु दे नेड़े बादलां दी मालकी वाली ऑर्बिट बस नूं घेरिया, ते अज पंजाब दियां होर थावां तों अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां ने। एक तस्वीर जिहड़ी असीं तुहानूं दिखाउने आ, इस जगह दा तां सानूं नहीं पता चल सकिया, पर इह बस है जिहड़ी चंडीगढ़ नूं जा रही सी। और तुसीं देख सकते हो कि बस के उपर जिथे ऑर्बिट नाम लिखा हुंदा है, मूहरों ओ ते आर ओ परची दे काली परची दे नाल काली पट्टी दे नाल लुकोया होया। किसानां ने इस बस नूं घेर लिया। वो कहिंदे चाहे तुसीं किन्नी मर्जी कोशिश कर लो, चाहे तुसीं ये चाल चली है कि नाम जिहड़ा उहनूं लुको के असीं बस चला लांगे, असीं बस चलण नहीं देंगे। किसानां ने बस नूं घेरा पा लिया, जबरदस्त नारेबाजी की। बादलों की ऑर्बिट मुरदाबाद, बादला तेरा बेड़ा गर्क है, इस तरह के नारे ने जिहड़े वो लाए गए। तो उन्होंने कहा कि नाम के उत्ते परची ला के ढा चाहे कि मर्जी ढकन की कोशिश कर लो, पर किसानों तो हुण कोई बच नहीं सकता। हुण तक इन सारे सियासतदानों ने पंजाब नू नोच नोच के खा लिया, खत्म कर दिता पंजाब की हर एक चीज़ नू, नौजवानी नू, रुजगार नू, भंडार नू, सारा कुछ खत्म कर दिता। ते हुण किसान जाग गए ने, पंजाबी जाग गए ने। सो ये रोह दियां जिहड़ियां तस्वीरां ने बादलां दी बस नूं घेरन दियां, ये असीं तुहानूं दिखा दिंदे आ। जिहड़े नारेबाजी हुई है जिहड़ी, वह जरूर सुनन वाली है। देखो जी, ऑर्बिट जिहड़ी आ टेप ला के ढक्की आ, बादल टोली मुरदाबाद, बीजेपी ते बादल मुरदाबाद, मोदी दा भाईवाल बादल मुरदाबाद, बादल दियां ऑर्बिट बसां मुरदाबाद, बादल सरकार मुरदाबाद, आ बादल दियां ऑर्बिट बसां मुरदाबाद, आ 600 बस वाला बादल मुरदाबाद, बादला तेरा बेड़ा गरका, बादला लुट के खा गया पंजाब तेरा बेड़ा गरका, बादलां दा रवे कख ना, बादलां दी ऑर्बिट मुरदाबाद, बादलां दी ऑर्बिट मुरदाबाद। आ बादलां ने अपनी ऑर्बिट बस ते टेप ला के टक्की आ, क्योंकि आ इन्हां नूं हुण डर लगदा पंजाब दे विच। पहला काला धन इकट्ठा करके ये जिहड़ियां बसां बनाईयां मर्सिडीज और वेलवो, उन अज बसां नूं खतरा पंजाब दे विच। लुट दा माल जो इन्हां ने अज पंजाब दे विच लिआंदा, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ। ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ,
ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ। एमरजेंसी बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ अगली खबर दस दिए कि भारतीय किसान यूनियन उगराहां ने हुण किसान मोर्चे संबंधी अपने नवे प्रोग्राम का ऐलान कर दिता है। इस नवे ऐलान के मुताबिक प्राइवेट थर्मल प्लांटा नूं जांदियां रेल पटड़ियां ते मुड़ तों धरने शुरू करन दा फैसला किया गया। कल दोपहर 3 बजे तो बाद सारियां थावां तों धरने चुक लए सी। सिर्फ अमृतसर के देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक ते धरना जिहड़ा उह लग्गिया होया उहनूं चक्किया गया सी। पर अज उगराहां जथेबंदी ने ऐलान कर दिता है कि जिहड़े प्राइवेट थर्मल प्लांटा नूं जांदियां रेल पटड़ियां उहनां नूं असीं घेरांगे ते जिहड़ियां सरकारी थर्मल प्लांटा नूं जांदियां ने रेल पटड़ियां सिर्फ उहनां नूं खाली कीता जाएगा इस जथेबंदी दे वल्लों। इस हुक्म तो बाद, इस ऐलान तो बाद मानसा जिले दे विच बणावाली थर्मल नूं जांदी रेल पटड़ी ते धरना शुरू कर भी दिता गया किसानां दे वल्लों ते राजपुरा थर्मल प्लांट की कोला सप्लाई भी जल्दी ठप्प की जा रही है। जथेबंदी ने फैसला लिया कि सरकारी थर्मलों की कोला सप्लाई जारी रहेगी पर निजी कंपनियों नूं इसकी इजाजत है जिहड़ी वो नहीं होएगी। जिहड़ा बणावाला तलवंडी साबो मानसा जिले दे विच पैंदा थर्मल प्लांट है, यह भी प्राइवेट कंपनी का ही थर्मल प्लांट है। जथेबंदी के सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां, सुखदेव सिंह कोकरी कलां ते शिंगारा सिंह मान जिहड़े लीडर ने उन्होंने जानकारी ये दित्ती है। नाल ही यह भी कहा कि 5 नवंबर नूं देश व्यापी चक्का जाम है जिहड़ा उस नूं भी सफल बनाया जाए, उहदे लई भी उन्होंने अपील की है लोगों नूं कि सफल बनाया जाए। तो आजाद एक्शन के राही जथेबंदी ने कहा कि असी भी इस नूं सफल बनावांगे। नाल ही लीडर ने यह भी दस्या कि एस आर कंपनी के पेट्रोल पंप के डीलर के वलों सानू एक चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी के विच धरनियां के कारण आ रही समस्यावां का जिक्र है जिहड़ा वह किया गया। तो हुण इस जथेबंदी दे वल्लों कल नूं यानी कि 24 अक्तूबर नूं एक खास मीटिंग है जिहड़ी उह कीती जा रही है, उस दे विच कोई फैसला जिहड़ा उह लिया जाएगा एस आर कंपनी दे पेट्रोल पंपां दे बारे। 25 अक्तूबर नूं दशहरे मौके पंजाब दे 14 ज़िलों दे विच 41 वख-वख थावां दे उत्ते बीजेपी लीडर कारपोरेट अते विदेशी कंपनियां दी तिकड़ी दे दिओ कद पुतले अगनदाह कीते जाणगे। यानी कि 3 जने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इन्हां दे पुतले फूकण का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि सानू भरपूर समर्थन है जिहड़ा वह भी मिल रहा है। सुगराहां जथेबंदी के इस ऐलान तो बाद मानसा का जिहड़ा बणावाली थर्मल प्लांट है प्राइवेट ही भाईवाली वाला यह सब तो वड्डा तापघर है तलवंडी साबो पावर लिमिटेड उन्हूं जांदियां रेलवे लाइना जिहड़ियां रोक लईयां ने। जथेबंदी ने पहला थर्मल प्लांट के मुख गेट के मूहरे धरना लाया होया सी, पर अज अचनचेत ही उन्होंने थर्मल नूं जांदे रेल मार्ग ते धरना ला दिता ते ताप घर दे लई कोला लिजाण वालियां माल गड्डियां ने जिहड़ियां कोला गड्डियां ने उह मुड़ तो बंद हो गईयां ने। हुण एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई है, मोगा तो आ रही है। इत्थे दरअसल जदों किसानां ने माल गड्डियां चलन की इजाजत दे दित्ती सी तां उस तो बाद दुपहरे 2.5 लाख के करीब मीट्रिक टन समर्था वाले अडानी के आधुनिक गोदाम के विच्चों अनाज भरन एक माल गड्डी आई सी। तां उस माल गड्डी नूं किसानां ने प्लांट के अंदर ही डक दिता, यानी कि माल गड्डी अंदर तो गई पर बाहर नहीं आ सकी। किसानां ने नारेबाजी की, स्थानक रेलवे स्टेशन के उत्ते डेरा ला के बैठे किसानों का बिजली पानी बंद करने वाले रेलवे मुलाजमान नूं भी किसान रोह का सामना करना पिया ते गल वधदी देख के पुलिस नूं दखल देना पिया। इत्थे भारतीय किसान यूनियन उगराहां जथेबंदी की अगवाई दे विच ही धरना लग्या होया। जदों अडानी अनाज भंडार के मूहरे 23वें दिन के पक्के धरने ते बैठे सी ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਡਾਨੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਜਾਵੇ, ਰੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਡੱਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
माल भाड़ा गड्डिया सिर्फ कोला आदि ढोआ ढोआई कर सकदियां ने ते कारपोरेट घराणियां दे अंदरों तो माल लैके बाहर जा ही नहीं सकदियां। सिर्फ जिहड़े सरकारी थर्मल प्लांट ने उन्हां दे अंदर ही ये जिहड़ियां माल गड्डियां जा सकदियां ने, वह भी सिर्फ कोला लैके। यह नहीं कि जिहड़े अंबानिया अडानिया के प्लांट ये लगे हुए ने उहदे अंदरों जिहड़ा माल बन रहा है उहनू लैण वास्ते गड्डियां जाण, इन्हां दी इजाजत बिल्कुल नहीं दित्ती जाएगी। सो यह लोक रोह दी तस्वीर है, एक कामयाब तस्वीर है कि रेल गड्डी नू अंदर ही डक दिता, माल गड्डी नू ते सिर्फ इंजन नू ही बाहर जान दिता किसानां ने। हुण गल कर लैने आ उस शख्सियत दी जिन्हां ने ये बिल बनाए ने, जिन्हां ने ये कानून लियांदे ने, खेती कानून जिन्हां दा विरोध हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दे विच एक चोण रैली नू संबोधन कर रहे सी ते नरेंद्र मोदी ने फिर तो साफ कर दिता है कि देश जिहड़ा हैगा वह संविधान की धारा 370 अते खेती संबंधी 3 नवें कानूनों तो पिछे नहीं हटेगा। ये कानून असी रद्द नहीं करांगे, यानी कि किसानां दा जिहड़ा इन्ना संघर्ष तिखा चल रहा है उसनू कुचलदे हुए, हालांकि उसनू कुचलिया नहीं हुण जा सकदा, पर उसनू दरकिनार करदे हुए मोदी साहब ने कोई भी हंबल जिहड़ा बयान नहीं दिता। उन्होंने अपनी पूरी शानो शौकत दे नाल कहा कि असीं इस फैसले तो पिछे नहीं हटांगे। JDU प्रधान अते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाजरी दे विच रोहतास की चोण रैली दे विच प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिता ते कांग्रेस समेत विरोधी धिरां दे रुख की सख्त शब्दों के निखेधी की कि जिहड़ा असीं कानून पास किए ने उन्हां दा विरोध क्यों कर रही ने विरोधी पार्टियां। यह भी कहा प्रधानमंत्री ने कि देश के किसानों विचोलियां ते दलालां तो असीं मुक्त करन दा फैसला लिया है तां विरोधी धिरां इन्हां दे पक्ष विच खुल के मैदान विच नितर आईआं ने। विरोधी धिरां ते चुटकी लई है कि मंडी ते MSP तां बहाना है, असल विच दलालां ते विचोलियां नूं बचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश लंबे समय तो जम्मू ते कश्मीर चो धारा 370 हटाउण दे फैसले की उड़ीक कर रहा सी ते इह फैसला NDA दी सरकार ने लिया, यानी कि प्रधानमंत्री साहब ने साफ कर दिता है कि ये जिहड़े कानून ने वापस नहीं लए जाणगे। ते एक होर वड्डा इल्जाम भी ला दिता है कि ये किसान नहीं हैगे जिहड़े धरनियां ते बैठे ने, ये दलाल हैगे ने। ते अजिहा ही बयान BJP प्रधान JP नड्डा ने दिता सी। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच खेती कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शनों के पिछे किसान नहीं बल्कि दलाल ने। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मजदूरों नूं अपनी जिनस पहला ही निर्धारित मंडियां ते व्यापारियों नूं वेचण दी गुलामी तो मुक्त किया है। तो जेकर राहुल गांधी किसानों के हामी होंगे तो अजो प्रधानमंत्री की खिलाफत नहीं कर रहे होंगे, अजो प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि यह कदे स्पष्ट नहीं होंगे कि राहुल गांधी खुद बोलते हैं जो उन्होंने तो बुलवाया जाता है। कि तुम किसानों का भला सोचते हो जां दलालों का जो केवल मजदूरों का शोषण करते हैं, यानी कि पंजाब हरियाणा जिथे जिथे भी किसान विरोध कर रहे हैं। BJP प्रधान JP नड्डा नूं लगता है कि ये सारे किसान नहीं है, ये दलाल ने, ये बहुत वड्डा अपमान है। सो इस दे विरोध दे विच श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने भी बयान दिता है। अकाली दल दे वल्लों ये बयान दिता गया है, उस पार्टी दे वल्लों जिहड़ी कदे BJP दी भाईवाल होया करदी सी, किसानां दे मुद्दे ते वक्खरी हुई है। दलजीत चीमा कहिंदे ने कि JP नड्डा ते प्रधानमंत्री दा ये बयान अल्ले जख्मां दे उत्ते लूण छिड़कण वाला है, किसानां दे जख्मां ते लूण छिड़कदा, इस तों माड़ी गल हो ही नहीं सकदी। वो कहिंदे BJP नूं सोचना चाहीदा है कि मसले दा हल करना जां ना करना ये वक्खरी गल है, पर किसानां नूं जलील तां ना करो, घट तों घट उहनां दा सतिकार तां करो जे उह विरोध कर रहे ने, अपने हक्कां वास्ते संघर्ष कर रहे ने, उन्हां दा सन्मान तुहानूं करना चाहीदा। अकाली दल ने मंग की है कि BJP लीडर जिन्हें भी यह बयान दिता है वह तुरंत अपना बयान वापस लैण ते किसानां तो माफ़ी मंगण, उन्हां नूं दलाल कहण दे बदले। नड्डा साहब का जिहड़ा बयान है वह किसानां दे अल्ले जख्मां दे उत्ते नमक छिड़कण वाला, क्योंकि जिहड़े किसान अपनी हक्की मंगां वास्ते संघर्ष कर रहे हैं उन्हां नूं यह कहना कि बिचौली है, मैं समझदा इस तों माड़ी और मंदभागी गल हो भी हो नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर साहबान को बेनती करता कि मसले का हल करना या ना करना वह तो एक वक्रा विषय, पर घट्टो घट जिमीदारा तुम अपमानित ना करो। पहला उन्होंने दिल्ली बुला लिया, अपनिया 10 टीमां पंजाब दे विच उन्होंने खिलाफ प्रचार करने वास्ते तोड़ दित्तियां, दिल्ली एक अफसर उन्होंने अगे बिठा के उन्होंने जलील किया। जो अपने हकों वास्ते संघर्ष कर रहे हैं तुम कहते बिचौलीए है फलाने हैं, मैं समझदा कि इस तरह दी गल्लां तों तुहानू ग्रेज करना चाहिए, हालात खराब नहीं करने चाहिए, ये बयान वापस लेना चाहिए और सारे किसानों तो माफ़ी मंगनी चाहिए।
एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता नूं हुशियारपुर जिले दे विच इक जिहड़ी 6 साल बच्ची दा बलात्कार होया ते उस तों मगरों उसका कतल कर दिता गया उसकी ढुकवीं जांच करन दे हुक्म दिते ने। मुख्यमंत्री ने डीजीपी नूं कोर्ट दे विच चलान पेश करन दे लई वी कहा है। दरअसल बुधवार नूं टांडा विच इक घर दे विचों 6 साल बच्ची की अध सड़ी लाश बरामद हुई सी। बच्ची दे नाल बलात्कार करन तों बाद उसकी हत्या की गई सी ते उसनूं अग ला दित्ती गई सी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस घटना ते दुख जताया। पुलिस ने इस मामले में गुरप्रीत सिंह ते उसके दादे सुरजीत सिंह नूं गिरफ्तार करके उन्हां खिलाफ़ कतल बलात्कार ते पोक्सो एक्ट दियां वख-वख धाराएं तहत केस दर्ज किया। पीड़ित बच्ची एक प्रवासी मजदूर की धी है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच अगली खबर गंढे नाल जुड़ी हुई है। गंढा हर किसी का रोना कढ़ा रहा है अजकल क्योंकि फिर तो महंगा हो गया। दक्षणी सूबों के 120 रुपये किलो तक ये विक रहा है। तो हुण केंद्र सरकार ने गंढे दियां असमानी पहुंचियां कीमतां नूं कंट्रोल करन अते आम लोकां नूं राहत देण लई कह के सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं केंद्र दे राखवें भंडारां जां बफर स्टॉक चों प्याज़ दी खेप चुकण लई कह दित्ता है। ते उत्थे प्याज़ दे थोक ते परचून व्यापारियां दे फसल दा भंडार करन दे उत्ते लिमिट है जिहड़ी उह निर्धारित कर दित्ती है जिहड़ी 31 दसंबर तक लागू रहेगी। परचून व्यापारियों लिए भंडार लिमिट 2 टन जबकि थोक व्यापारियों के लिए हुण 25 टन प्याज की लिमिट तय की गई है। इस तों बाद स्टॉक नहीं कर सकते। देश के कई हिस्सों के गंढे दियां परचून कीमत 75 रुपये प्रति किलो के भाव में भी पहुँच गई ने। दक्षणी सूबों के गंढा 100 तों 120 रुपये प्रति किलो तक विकया। 22 अक्तूबर में मुंबई के परचून के प्याज की कीमत 86 रुपये प्रति किलो से चेन्नई के 83 रुपये जबकि कलकत्ता ते दिल्ली में 70 ते 75 रुपये प्रति किलो से। पंजाब दे विच भी इसे भाव के उत्ते ही गंढा विक रहा है। थोड़ा बहुता फर्क है पर 80 तो उपर कि 100 रुपये तक भी गंढा जिहड़ा उह विक रहा है। इस करके केंद्र सरकार ने थोक ते परचून व्यापारियों के गंढा भंडार करन दे उत्ते लिमिट है जिहड़ी उह तय कर दित्ती है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच जांदे जांदे तुहानू एक खबर अमरीका तो दस दईए जिथे फैडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां ने अमरीका विच गैर कानूनी तरीके नाल रह रहे 11 भारतीयों समेत कुल 15 विद्यार्थियों नू गिरफ्तार किया। अमरीका के प्रवास ते कस्टम अधिकारियों ने इन्हां विद्यार्थियों नू बोस्टन वाशिंगटन ह्यूस्टन न्यूयॉर्क नैशविले एफ लोडरडेल पिट्सबर्ग ते हैरिसबर्ग तो गिरफ्तार किया। इन्हां विच 2 लिबियन 1 सनेगली ते बंगलादेशी विद्यार्थी शामिल है। इन्हां विद्यार्थियों नू ऑप्टिकल इल्यूजन मुहिम के तहत गिरफ्तार किया गया। इस मुहिम के तहत उन्हां गैर प्रवासी विद्यार्थियों नू गिरफ्तार किया जाता है जो OPT यानी कि ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल करके ही अमरीका दे विच गैर कानूनी तरीके दे नाल रही जाते हैं। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।